नाउ द इम्प्लांटेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लीवेज की, क्लीवेज का प्रोडक्ट आपका क्या था, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट कहां बना था, यूट्रस में। अब ये यूट्रस में मूव करता करता इंटरनल ओएस के पास जाता है, वहां जाके वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। व्हाट इज द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन इट इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल कौन सी है, एंडोमेट्रियम। और इम्प्लांटेशन कब होती है, इम्प्लांटेशन होती है सेवेंथ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट टेक प्लेस अबाउट सेवेंथ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर जो इम्प्लांटेशन है उसकी टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, इंटरस्टीशियल इम्प्लांटेशन, इंटरस्टीशियल इम्प्लांटेशन। एक और एग्जांपल आता है जिसका नाम है गुनिया पिग, इसमें भी कौन सी होती है, इंटरस्टीशियल। इंटरस्टीशियल का मतलब है ये एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर होती है। अब देखो कैसे, जैसे ही मैं आपको एक बॉल दिखा रही हूं, ये बॉल एक आपको राउंड नजर आ रही है, इस बॉल में येलो कलर की कवरिंग सारी ट्रोफोब्लास्ट है। यदि इस बॉल को मैं ओपन करूं तो अंदर की तरफ देखो आपको एक साइड पे ये पार्ट नजर आ रहा है, ये पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये इसका इनर मास सेल है, ब्लैक पार्ट पे जो लगी हुई है सेल्स, ये क्या है, इनर मास। इसमें आप देखोगे तो आपको क्या नजर आ रही है, कैविटी नजर आ रही है, और ये कैविटी क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, सॉरी ब्लास्टोसिल। क्या बताया आपको, ये येलो कलर की कवरिंग सारी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये अंदर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन सी है, इनर मास, और दूसरी तरफ जो प्रेजेंट है वो कैविटी है जिसका नाम है ब्लास्टोसिल। अब देखो कुछ ये ट्रोफोब्लास्ट है, आप देखो कॉन्टेक्ट में है ये ट्रोफोब्लास्ट येलो वाली किसके, इनर मास के, और इन्हें हम सेल्स ऑफ क्या बोलते हैं, र्यूपर। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल्स ऑफ र्यूपर। अब देखो जैसे ये डायग्राम मैंने आपको, ये 3D आपको इमेजिनेशन करवाया है। अब देखो जहां पे ये आपको बॉल में शायद ब्लैक कलर का ये स्पॉट का एरिया नजर आ रहा है, ये एंड इसका एम्ब्रियोनिक एंड है, और जो दूसरा एंड है वो एबनॉर्मेलिक एंड है, यहाँ एम्ब्रियो नहीं बनता, क्योंकि इनर मास सेल ही यही वाला पार्ट आपको क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। जब इसकी एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ अटैचमेंट होगी, यही वाला एंड अटैच होगा किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, और यहाँ इसके ऊपर जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर की लाइनें दिखा दी, दिख रही है आपको ये लाइनें, मैंने इस पे क्या दिखा दी, जोना पेरिसीडा दिखा दी, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट के बाद कहीं कहीं जोना पेरिसीडा प्रेजेंट है, और ये इसको क्या करती है, जब ये वाला एंड इंटरनल ओएस के पास अटैच होता है तो ये ट्रोफोब्लास्ट के स्टिकी एंड को एक्सपोज कर जाता है। बाय चांस ये वाला एंड अटैच होगा एंडोमेट्रियम के साथ, यहाँ पे इनर मास सेल नहीं है, तो ये इस एंड को एक्सपोज होने नहीं देगा। अब देखो इसी इमेजिनेशन के साथ मैं अब डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, कैसे, ये वाली लेयर कौन सी है, यूट्रस की लेयर है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन एपिथेलियम। ये सारी क्या है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन एपिथेलियम। फिर देखो यहां जितना ये प्रेजेंट है ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये सारा यहां पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो दिस वन पार्ट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, और ये वाला क्या है, यूट्राइन एपिथेलियम। यूट्राइन इसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, एंडोथीलियम ऑफ यूट्रस,
ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, एंडोथेलियम ऑफ यूट्रस हो गया यहाँ। अब देखो इसके पास ये बॉल वाली स्ट्रक्चर है, ये वाला एंड इसका कौन सा एंड है, इनर मास सेल वाला एंड, और ये सेल से ऊपर क्या बताया यहाँ मैं डायग्राम बना रही हूँ किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। और ब्लास्टोसिस्ट का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये बाहर वाली कवरिंग है, ये देखो ये वाली लेयर कौन सी थी, ट्रोफोब्लास्ट। ये वाली सारी सेल्स कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट। और ये वाला एंड आपको जो नजर आ रहा है ये कौन सा है, इनर मास है, दिस इज द इनर मास है, इनर मास सेल। और ये वाली सेल कौन सी थी, ट्रोफोब्लास्ट। और जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स कॉन्टेक्ट में यहां से यहां तक, किसके कॉन्टेक्ट में, इनर मास सेल के कॉन्टेक्ट में, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ ल्यूकर। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल्स ऑफ ल्यूकर, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम कब है, सिक्स्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिक्स्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखो सिक्स्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट के बाहर यहां कौन सी लेयर थी, कौन सी लेयर थी, जोना पेरिसिला। जैसे ही ये वाला एंड, जैसे मैंने बॉल से बताया आपको, ये वाला एंड यहां पे इसके साथ अटैच होने लग गया, इनर मास वाला, तो जोना पेरिसिला ने इसको अटैच कर दिया। और यहां पे जब ये अटैचमेंट हो रही है, ये पोजीशन किसकी है, इंटरनल ओएस की। आपको पता है ये सबसे ज्यादा रीजन क्या होता है, ग्लैंडुलर, तभी इसी रीजन पे नॉर्मल साइड है, ये कौन सी साइड है, नॉर्मल साइड फॉर इम्प्लांटेशन। और यहाँ पे किसकी वजह से होती है, जोना पेरिसिला। यदि इसका ये वाला एंड यहाँ अटैच होने लग जाए तो ये इसके ट्रोफोब्लास्ट के स्टिकी एंड को एक्सपोज होने नहीं देता। अब क्या हुआ, जैसे ये इसके साथ भी नॉर्मल साइड पे क्या हो गया, अटैच हो गया, तो इस केस के बीच में ट्रोफोब्लास्ट सेल ने क्या किए, एंजाइम्स रिलीज किए। और ये एंजाइम्स कौन से होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या बताया आपको कि जैसे ही हमारा क्या है, ये इसके कॉन्टेक्ट में आ गया, तो इस केस में ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या रिलीज करती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल सेक्रीट लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। जब ये लाइटिक एंजाइम्स बना देगा तो इसका काम क्या होगा, लाइटिक एंजाइम्स का डिस्ट्रॉय कर देना, किसको, एंडोथेलियम को, दैट डिस्ट्रॉय एंडोथेलियम। जब ये वाली सेल डिस्ट्रॉय होने लग गई तो इस केस के अंदर क्या हुआ, ये तो एंडोमीट्रियम लेयर आपकी ये वाली बन गई, ब्रेक हो गई। और इस केस के अंदर जो ये ब्लास्टोसिस्ट है वो अब इसके अंदर अम्बेड होना क्या हो गया, शुरू हो गया। अब ये अम्बेड हुआ तो इसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये ब्रेक डाउन हो गया। पहले तो इसने इसमें क्या किया, एंजाइम्स रिलीज किए, एंजाइम्स रिलीज होने के बाद ये बॉल क्या हो गई, डिस्ट्रॉय, ये रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद ये वाला ब्लास्टोसिस्ट अब इसके अंदर क्या होने लग गया, अम्बेड होने लग गया। जब ये ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर अम्बेड हो गया, फिर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स भी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। और यहां पे हमने ये सेल जो बनाई थी ये क्या थी, इनर मास सेल। और इनर मास सेल भी आगे अपने आप को किसमें लेके जाएंगे, ये स्टेम सेल्स है जो वेरियस टिश्यू और ऑर्गन को बर्थ देते हैं, आगे जाके इसका काम है एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाना। अब देखो जैसे ही हमारा सेवंथ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुई, कौन सा डे, सेवंथ डे, वो तो सिक्स डे था, ये कौन सा डे है, सेवंथ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
ये इम्प्लांट हो गया और यूट्रस की लेयर में क्या हो गया, बरी हो गया। और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थी वो कौन सी थी, इनर मास है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट सेल ने अपने आप को अम्बेड कर लिया किसमें, यूट्रस की वॉल में। और यहाँ जाने के बाद इसने अपने आप को एक सेल में डिवाइड किया, और इस सेल में जब इसने डिवाइड किया तो इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं थी, ऐसी बन गई, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल ने अपने आप को सेल्स में कितने में डिवाइड कर लिया, दो में, एक तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आ गई और एक ये, इसका नाम इसने रखा सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। सिंपल किसके लिए आता है आपको पता है, फ्यूजन के लिए, यानी कि यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल आपस में फ्यूज हो गई, बट यहाँ पे सेल की कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नजर नहीं आ रही। और दूसरी यहाँ पे कौन सी है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, यानी ये दो सेल किसने बनाई, ट्रोफोब्लास्ट ने, किसने बनाई, ट्रोफोब्लास्ट ने। कब बनाई, 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कब बनाई, 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कितनी बनाई इसने आपको, दो में, एक कौन सी, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेकंड सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब इसमें क्या फर्क है, दोनों में मैंने बताया इसके अंदर सेल्स के पास डिस्टिंक्ट बाउंड्री प्रेजेंट है, यानी कि पहले 7 डे में तो ये ब्लास्टोसिस श्रिंक कर गया, किसके अंदर कर गया, यूट्रस के अंदर श्रिंक होना स्टार्ट हुआ है। और जब इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया तो दो में किया, एक का नाम क्या था, विद डिस्टिंक्ट सेल, और इसमें क्या है, नो डिस्टिंक्ट सेल, नॉट डिस्टिंग सेल हो गया यहां पे। तो ये किसने बनाई, ट्रोफोब्लास्ट ने बना दी। इस तरह से धीरे धीरे ये वाला ब्लास्टोसिस्ट अम्बेड कर गया यूट्रस के अंदर, जैसे ये बोल थी ये यूट्रस है, पहले ये यूट्रस की दीवार थी, इस एंड से आगे ये अटैच हुआ, तो पहले सिर्फ अटैच हुआ है, फिर इसने एंजाइम्स रिलीज किए, ये वॉल ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई तो ये अंदर धंसना शुरू हो गया। बाद में इस एंडोमेट्रियम ने इसको चारों तरफ से यूं क्या कर लिया, सराउंड कर लिया, यानी कि अब आपको पता चल रहा है ये यूट्रस की वॉल के अंदर अम्बेड हो गया, और इसीलिए इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल इम्प्लांटेशन, यानी ये बरिड इन द किसमें, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये बाद में रैपिडली ग्रो करेगा और ये पूरे ब्लास्टोसिस्ट को सराउंड करना क्या कर देगा, शुरू कर। इसमें रोल पहले किसका था, जोना पेनिसिला का, जो प्रॉपर साइट पे इसको एक्सपोज होने में क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी। अब देखो इसमें आता है, ट्रोफोब्लास्ट ने अपने आप को डिवाइड किया, कब किया, 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 6 पे तो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई थी, 7 पे वो इम्प्लांट कर दिया, 8 पे ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हो गया। फिर देखो इसके बाद क्या होता है, जो ये सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एससीजी हार्मोन, इसे बोलते हैं ह्यूमन कौन सा, क्रोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन है। और कई बार कहते हैं एससीजी हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ नीड, कि इस हार्मोन को कौन बनाता है, इस हार्मोन को बनाता है एक तरह से ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि सिंस योर ट्रोफोब्लास्ट किसकी टाइप है और इसका फंक्शन किसके जैसा है, सिमिलर टू LH। और आपको पता है LH जो रिलीज करता है वो कौन रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है बताना, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसी की तरह क्या करेगा, फंक्शन करेगा। और इसकी वजह से क्या होता है, जब एसजी हार्मोन रिलीज हो गया तो फीमेल के अंदर ये LH की तरह काम कर रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम
क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। और मेंस्ट्रुएशन जब स्ट्रोक हो गया, फीमेल क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, हो गया यहाँ पे। और इसको चेक करने के लिए हम जो क्या है, स्ट्रिप आती है मार्केट में, प्रेगा टेस्ट के नाम से आती है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से आती है, और ये स्ट्रिप जो आती है प्रेगा स्ट्रिप के नाम से भी आती है, और इसका काम है यूरिन में चेक करना एससीजी हार्मोन। ये किसमें डिटेक्ट होता है, यूरिन में, ठीक है। जब इस स्ट्रिप को हम फीमेल के यूरिन में, यानी 28 डे का साइकिल हो गया, 28 डे के साइकिल जब स्ट्रोक हो गया, तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन रिपीट नहीं हुआ, तो इस केस में जब वो टेस्ट करते हैं इस स्ट्रिप में ऐड करके, इस स्ट्रिप को यूरिन में डाल देते हैं, एससीजी हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो दो बैंड आ जाते हैं। यदि इस स्ट्रिप को, जैसे ये यूरिन सैंपल लिया, इसके अंदर हमने इस स्ट्रिप को डाला, इस स्ट्रिप के अंदर एक बैंड ऑलरेडी होता है, एक लाइन ऑलरेडी है, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन तो पहले ही बनी हुई है, नो प्रेगनेंसी। ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको नॉलेज के लिए कि कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। यदि यहाँ पे टू लाइंस आ गई, टू बैंड्स आ गए, टू बैंड्स किसको चेक कर रहा है, सेकंड बैंड यूरिन में एसजी हार्मोन को, यानी कि प्रेगनेंसी। ठीक है, और इस टाइम में लेडीज क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। अब देखो जब इसके बाद ये हो गया कि प्रेगनेंसी हो गई, ये वाली एंडोमेट्रियम एसजी हार्मोन बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम की तरह काम किया, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, तो आपको पता है क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन बनता है, उसका लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं, और कुछ केसेस के अंदर क्या हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। और ये मिस कैरेज क्या होता है, यदि एम्ब्रियो एबनॉर्मल है, एम्ब्रियो कैसा है, एबनॉर्मल। मैं एक केस बता रही हूँ आपको, अबॉर्शन और मिस कैरेज, ठीक है। क्या बताया आपको, मिस कैरेज किस केस में होता है, यदि एम्ब्रियो कैसा है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या है, या तो ये गर्ल साइड पे इम्प्लांट कर रहा है, या इसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, एसजी हार्मोन बनना क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। एसजी स्ट्रोक हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, आपकी ब्रस्ट हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गई, ब्रस्ट हो गई। ब्रस्ट हो गई तो ब्लीडिंग वो क्या होगी, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, और एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग शुरू होगी तो यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ये मिसकैरेज है, ये कुछ कुछ केसेस में हो जाता है, बट इस केस के अंदर फीमेल को पता ही नहीं चलता कि ये मिसकैरेज कब हो गया, यानी कि एक दो दिन ही ऊपर होते हैं, इतने में ये वापिस क्या हो जाती है, ब्रेक। और इसमें क्या हो जाता है, इसे अबॉर्शन भी बोलते हैं, और इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ एम्ब्रियो, लॉस ऑफ एम्ब्रियो। यदि फीमेल यहाँ पे प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है तो फीमेल के अंदर कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, और इस सिम्टम्स को हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि क्या होता है, इसके अंदर फीमेल में हार्मोनल चेंजेज आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेज आ जाते हैं, तो उस केस के अंदर प्रेगनेंसी में उसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, और ग्रोथ होने के बाद उसके अंदर टेंडरनेस आ जाती है चेस्ट रीजन, ब्रेस्ट रीजन के अंदर, तो उस केस में उसको जो उसकी डाइट हैबिट है वो भी क्या हो जाती है, चेंज। यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट है तो इस केस में उसको सिम्टम्स नजर आते हैं किसके, प्रेगनेंसी के, और वो किस फॉर्म में नजर आते हैं, मॉर्निंग सिकनेस की फॉर्म में। किस फॉर्म में नजर आते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। ये मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है सिम्टम्स होना, ये किसकी वजह से होती है, चेंजेज इन हार्मोन, चेंजेज इन हार्मोन्स लेवल, जैसे एसजी की वजह से उसकी फीडिंग हैबिट वगैरह सब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो जब इम्प्लांटेशन हो गई तो इस केस में ये एंडोमेट्रियम अपने आप को क्या करती है, शेड करती है। जब एंडोमेट्रियम अपने आप को क्या करेगी, शेड करेगी, तो उसे बोलते हैं डेसीडिया। क्या बोलते हैं, डेसीडिया। डेसीडिया, डेसिडस एक लेटिन वर्ड है। देखो क्या बताया, कई जगह आपने बुक में मेंशन है आपका,
कि क्या होता है डेसीडिया। ठीक है, डेसीडिया एक लेटिन वर्ड से आया और ये लेटिन वर्ड आपका डेसीडिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज फॉलो डेसीडस। लेटिन वर्ड डेसीडस, इसका मतलब फॉलो, क्या मीनिंग है। जब क्या हुआ, आपके जैसे मेरी टीथ है वो भी गिर जाते हैं, कहीं भी बारे में फॉलो वर्ड आए तो वो किसके लिए आता है, डेसीडिया के लिए आता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गई, कई कई मदर्स के अंदर क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद वन पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस वो क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है और वो फॉलो होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डेसीडिया। क्या मीनिंग है इसका, इफ इम्प्लांटेशन अगर एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस गेट मॉडिफाइड कॉल्ड डेसीडिया। ठीक है, और ये जो डेसीडिया होता है ये क्या हो जाता है, शेड हो जाता है जब बेबी क्या हो जाता है, डिलीवर, विच इज शेड आफ्टर डिलीवरी। ये डेसीडिया कितनी टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। कितनी टाइप्स का बताया, थ्री टाइप्स का। एक डेसीडिया बेसिलरिस, सेकंड डेसीडिया जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सुलरिस, थर्ड कौन सा होता है, प्रेटरिस। पहला आपको बताया डेसीडिया के लिए डी, फर्स्ट वर्ड मैंने क्या बताया, बेसिलरिस, बेसल से वर्ड बनाया, इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिलिस। सेकंड कैप्सूल से वर्ड आता है डेसीडिया, कैप्सुलरिस। ठीक है, थर्ड आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेसीडिया प्राइटेरिस। ठीक है, अब इन सब में क्या डिफरेंस होता है, अब देखो, जब मैंने बताया ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो प्लेसेंटा बनाता है, ये जो बाहर वाली लेयर्स हैं सीम साइटो ने जो बनाई, इसने विलाई बना दी, ये विलाई क्या कर जाती है, यूट्रस के रीजन में धंस जाती है तो प्लेसेंटा का पार्ट बना लेती है। इसीलिए ह्यूमन का प्लेसेंटा कैसा होता है, क्रोनिक प्लेसेंटा। आपसे पूछे कि जो कोरियोन लेयर है, ये वाली जो मैंने आपको बताई क्या है, विलाई है, विलाई के अंदर आपकी क्या है, क्या काम कर रही है, प्लेसेंटा बनाती है, क्या बनाती है, प्लेसेंटा। और इस केस के अंदर जो ये इनर मास सेल है ये आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब देखो जो हमारी ये कोरियोन लेयर बनेगी, विलाई कौन सी लेयर पे लाई करती है, कोरियोन लेयर पे, किस पे लाई करती है, यानी कि इस रीजन के ऊपर, ये यूट्रस दिखाया सारा पार्ट, इस रीजन के ऊपर जो पार्ट किसका, एंडोमेट्रियम का लाई करता है, किसके बीच में, कोरियोन एंड मायोमेट्रियम के बीच में, उसे बोलते हैं बेसिलरिस। यानी पार्ट ऑफ ये क्या है, एंडोमेट्रियम, पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम विच लाइज बिटवीन कोरियोन एंड मायोमेट्रियम, क्योंकि आपको पता है ये वाली का एंडोमेट्रियम लेयर है, ये वाली लेयर कौन सी थी, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर वाली लेयर होगी तो ये कौन सी होगी, मायोमेट्रियम। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बेसिलिस। सेकेंड लेयर आती है कैप्सुलर्स, ये कहाँ लाई करती है, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो के बीच में और ये यूट्राइन की कैविटी के बीच में, यानी कि जो यूट्रस इस शेप में है, यहाँ ये एम्बेड है, इट लाइज पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम सेल बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन कैविटी, इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सुलरिस। फिर आती है प्राइटेरिस, ये मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है जो लाई करता है एंटायर प्रेग्नेंट यूट्रस को, एक्सेप्ट प्लेसेंटा पार्ट, ये पार्ट तो प्लेसेंटा बना रहा है, फंडस पार्ट में चली जाती है ये वाली, और ये कहां लाई करता है, इट इज अ मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम विच लाइज the entire uterus.
इंटायर यूट्रस है, तो यानी ये सारे पार्ट को, यहाँ वाला भी यूट्रस पार्ट हो गया, ये भी यूट्रस, सारे पार्ट के अंदर ये लाइन बनता है। यूट्रस एक्सेप्ट एरिया ऑफ प्लेसेंटा, इसे हम क्या बोलते हैं, डेक्रिया। दिस इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द किसका इम्प्लांटेशन। देखो जब इम्प्लांटेशन हुई तो क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम जैसा हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हुई, प्रोजिस्ट्रोन बना। जब प्रोजिस्ट्रोन बन गया तो 16 डे के बाद प्लेसेंटा बनता है, 16 वीक के बाद, डे के बाद नहीं, 16 वीक, 4 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई, इम्प्लांटेशन होने के बाद प्लेसेंटा बन गया। अब प्लेसेंटा प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन बनाता है, और ये प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन जब प्लेसेंटा बनाएगा तो वो भी एक म्यूकस प्लग बना देगा सर्विक्स रीजन के पास। क्यों सर्विक्स रीजन के पास बना देगा, ताकि ये ग्रोइंग एम्ब्रियो फॉल ना हो जाए कहां से, वेजाइना से, तो वो भी सब्जेक्टिव टू क्या हो जाएगा, अदरवाइज किससे हो जाएगा, अबॉर्शन से। तो यानी कि क्या है, प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन म्यूकस प्लग बनाने में भी हेल्प करता है, कहां, सर्विक्स के अंदर, जो प्रोटेक्ट करता है कब, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू द बेबी। और कब बनता है ये आपका, 16 वीक के बाद, कब, आपकी प्रेगनेंसी में, 4 मंथ के बाद प्लेसेंटा की क्या हो जाती है फॉर्मेशन, वो फिर क्या बनाता है, प्रोजिस्ट्रोन। दिस इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन।